स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में जो भी भर्ती आई उनके बारे में डिटेल बताएंगे। देखिए, हर चीज़ का जुनून होना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि मेरा एक रिश्तेदार है, रिलेटिव ही है, तो उसके पिताजी भी रेलवे में थे, लेकिन उस बच्चे का जुनून इतना था कि हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, होते ही हैं जनरली, क्या होते ही हैं, ये सत्य है, 700 सत्य है, तो 7 दिनों में 5 दिन वो बच्चा इंडियन रेलवे की टी शर्ट पहनता था। मतलब टी शर्ट पहनेगा, इंडियन रेलवे लिखा हुआ, इतना जुनून था। और मैं किस्मत की आपको बात बताऊं कि अभी 2 महीने पहले ही उसका इंडियन रेलवे में हो गया है और ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। तो मतलब कि जुनून तो होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे, तो जुनून होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट्स हो और इंडियन रेलवे में जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जाओ। जो करंट में वैकेंसी चल रही, जो भर्ती अभी चल रही, मैं उनके बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो आपकी चल रही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भर्ती। किसकी? अप्रेंटिसशिप की भर्ती। इसमें कक्षा 10 और आईटीआई पास वाले बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और इसमें टोटल भर्ती मैं आपको बताऊं, यहां से देख के आप देख पाओगे कि 1113 वैकेंसी है, ठीक है? तो ये क्या अप्रेंटिसशिप की भर्ती, अगर आपने आईटीआई किया है तो देखिए इसमें क्या है कि रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। अब रेलवे में जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो कौन से काम करते हैं? ट्रेंड वर्कर, मतलब कि जो आईटीआई से जिन्होंने अपना किसी ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में आपने पास आउट किया है, सर्टिफिकेट लिया है, तो ऐसे बच्चे जो ना ग्राउंड में बहुत ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो भर्ती होती है आप देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी वाली ही भर्ती रहती है। तो उसमें क्या रहता है कि जो टेक्नीशियन होता है जो आईटीआई से कर लेता है, अपना सर्टिफिकेट कर लेता है, तो ऐसे बच्चों के मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत ज़्यादा काउंटेबिलिटी में वैकेंसी आपकी आती है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस भी उनके होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो वर्क फोर्स सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं, जैसे कि आप पुलिस में देखो तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे? कांस्टेबल मिलेंगे, क्योंकि कांस्टेबल की एक थाने में जो ना दो दरोगा है, दो दरोगा, दरोगा तो एक ही होगा लेकिन सब इंस्पेक्टर मान लो 2 हैं, ठीक है? हवलदार आपके मान लो 3 हैं लेकिन कांस्टेबल 8 होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो वर्किंग मैन पावर है, जो सबसे ज़्यादा जो काम करती है और जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो पुलिस में हो गया कांस्टेबल, ठीक है? तो उसी तरह जो है ना आईटीआई वाले बच्चे भी रेलवे में बहुत जाते हैं। अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो इसमें, लेकिन इसके लिए आईटीआई आपके पास में होना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या है। चितरंजन लोकोमोटिव, ये भी अप्रेंटिसशिप वालों की है, 492 वैकेंसी, आईटीआई होना चाहिए तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 18 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। और देख लेते हैं, अब देखते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये भी अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, लेटेस्ट चल रही है, 12 तारीख इसकी अंतिम तिथि है और 733 वैकेंसी, आईटीआई वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, ठीक है? ये मोटी मोटी जानकारी, बाकी चैनल पर डिटेल वीडियो बना दी, आप जाके वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है? अब हम आगे देख लेते हैं आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश की मेट्रो में ये भर्ती आ रखी है, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप यहाँ से देखो। UPMRC, कई सारे पदों पर भर्ती, अलग अलग पदों पर भर्ती, मैनेजर के भी है, टेक्नीशियन भी, डिप्लोमा भी है, जनरल अकाउंट के लिए भी है, मैनेजमेंट की वैकेंसी है, इसके लिए डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पीजी, लॉ वाले, स्टाफ नर्स के लिए सब कोई इसमें करीब करीब सीटें हैं, आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो, डिटेल वीडियो बना रखा है। 19 तारीख आपकी अंतिम तिथि है, ठीक है? अब इसके बाद जो बड़ी भर्ती चल रही है, मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि RPF में चल रही है। RPF में कौन सी भर्ती चल रही है? 2 तरह की भर्ती हैं। एक सबसे पहले कांस्टेबल की बता देता हूँ। तो कांस्टेबल इसमें देखिए, जो भी भर्ती है रेलवे की, ये ऐसा नहीं यूपी वाला भरेगा और छत्तीसगढ़ वाला रह जाएगा, ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती होती है। आप किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में रहने वाले हो, आप इतना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? आप नौकरी कर सकते हो। तो कांस्टेबल की भर्ती ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहती है, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हो RPF, ठीक है? कांस्टेबल में 4208 की वैकेंसी है, 10 पास वाले इसमें फॉर्म भर रहे हैं और 14 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। तो आपके पास अभी भी समय है, अगर आप चाहो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो, 10 पास हो तो। कांस्टेबल की अच्छी भर्ती है, ठीक है? अब इसके बाद जो वैकेंसी आप यहाँ से देख पाएंगे कि इसी में है, RPF में ही है, सब इंस्पेक्टर के पद। अब देखो, सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी का पद हो गया, तो आपको डिग्री की ज़रूरत है, जिसके पास डिग्री है वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भर्ती है, 14 तारीख आपकी अंतिम तिथि होने वाली है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, 10 पास हो तो इसमें भर दो आप जो है ना RPF कांस्टेबल के लिए, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जो है ना सब इंस्पेक्टर के लिए भर सकते हो। अब इसके बाद जिसकी आजकल जो है चर्चा ही चर्चा है, मतलब कि एकदम बम्पर तैयारी चल रही है, RRB द्वारा निकाली गई भर्ती, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भर्ती है। टोटल 9144 वैकेंसी है,
इसकी बम्पर आजकल चर्चा है और बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें जिनके पास डिप्लोमा वगैरह है ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म भर पा रहे हैं, ग्रेजुएट वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर पा रहे हैं। इसका डिटेल वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। RRB में बम्पर भर्ती चल रही है और 8 तारीख आपकी अंतिम तिथि है, तो देख लो आपके हाथ में काफ़ी कम समय बचा है, आज 6 तारीख होने वाली है, ठीक है। तो आपके हाथ में कम दिन है, अगर आपको नहीं पता चला इन चीज़ों के बारे में तो आपको अब पता चल गया है, तो आप जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरो और तैयारी आप चालू कर सकते हो। टेक्नीशियन Grade 1 और Grade 3 की टोटल वैकेंसी आ रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रेलवे की आपको भर्ती पता चल गई होंगी जो आज तक अभी चल रही हैं। अगर आपको कोई भर्ती अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ना आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों तक भी ये बात पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।